लेकिन आते हैं ये डिफेंस बजट की तरफ जी। इसमें एक बहुत बड़ा मामला है कि पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान का बजट देखा जाता है या भारत में पाकिस्तान का बजट देखा जाता है तो सिर्फ उसका मतलब होता है दिफाई बजट, उसके अलावा कोई बात नहीं होती कि भाई हिंदुस्तान में क्या अच्छी बातें हुई हैं, पाकिस्तान में क्या अच्छी बातें हुई हैं, मईशत के मैदान में, ये कोई नहीं देखता। और मवाजने होते हैं डिफेंस बजट के। डिफेंस बजट के हवाले से मैं ये बात नाज़रीन के लिए कहना चाहता हूं कि हम मुकाबले में हैं भारत के साथ, हम खर्च कर रहे हैं 8.6 बिलियन डॉलर्स सालाना, और इसमें वो बातें शामिल नहीं है जैसे पेंशन शामिल नहीं है, जिसमें इसमें और बहुत से प्रोग्राम है जो डिफेंस रिलेटेड है उसमें शामिल नहीं है जी। और हिंदुस्तान का बजट है 40 अरब डॉलर से ज्यादा, इसमें भी बहुत सारे वो डिफेंस से मुतालिक बहुत सारे आइटम्स हैं जो इसमें शामिल नहीं किए जाते। और पिछले साल चाइना का था 131 बिलियन डॉलर, जो अब कहा जाता है असल में 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मतलब मुझे लगता है ये है कि पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है डिफेंस बजट हिंदुस्तान का, और चीन का भारत से 5 गुना बजट ज्यादा है। और ये जो असले की और दिफा की जो लड़ाई जंग हो रही है उसमें पाकिस्तान एक ऐसी जंग में है भारत के साथ जो पाकिस्तान अब आखिरी तजिए में स्वाइस की कि हम कहते हैं हमारे पास भी न्यूक्लियर असला और हिंदुस्तान के पास भी है, इससे एक डिटरेंस हो गई है, लेकिन हम एक ऐसी जंग में दौड़ में शामिल हैं जिसमें हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसका हम सब लोग इकरार करते हैं। तो ये एक तरह का अजीब विशेष साइकिल है बहुत ये जिसमें हम फंसे हुए हैं। दया साहब, 126 लड़ाका जहाज और 197 हेलीकॉप्टर और बहुत ये कोई ऐसी बड़ी असली जिम्मेदारी नहीं है, वैसे बहुत बड़े प्लान थे इंडिया के, लेकिन इस बजट में तो लगता है हमारे वजीर दफा ने जो रद्दअमल का इजहार किया है वो मैं समझता हूँ रवायती है। इसलिए वहां पर इन्फ्लेशन जो है अफराज़दर 5 से 7% है हिंदुस्तान में, इसलिए कोई मैं समझता हूँ हकीकी मानों में कोई बड़ा इजाफा नहीं है। हम पूछते हैं एयर मार्शल चौधरी साहब से, शहजाद चौधरी साहब से, शहजाद साहब आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारत पिछले 5-6 साल से दुनिया भर में असला खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, इन द सेंस ऑफ जिस तरीके से असला खरीदा जा रहा है, सबसे बड़ा बायर आर्म्स का और एम्युनिशन का दुनिया में भारत है। ये भी खतरे का बायस है क्योंकि ये इससे सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है बल्कि ये खत्ते की जो सूरत हाल है उसके ऊपर ये चीज असरअंदाज होती है। ना चाहते हुए भी एक आर्म्स रेस का तासर कायम होता है, लेकिन इससे बढ़ के मेरे ख्याल में जब हम अददी बरतरी या अददी तकाबुल का बात करते हैं तो हमें ये चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है अपने वेपन्स के सिलसिले में। उसके पास कुछ वेपन सिस्टम बहुत पुराने हैं, उनको रिप्लेस करना चाह रहा है, और आजकल तकरीबन हर इस किस्म का जो वेपन सिस्टम है उसकी कीमत भी बेनता है। चौधरी साहब जी, 25% इंडिया बोरोइंग कर रहा है अपने बजट को सपोर्ट करने के लिए जी, और 75% जो बजट है उनका उनकी सर्विसेज पे खर्च होता है जो मुलाजिम है सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास भी कोई बहुत बड़ा तकरीबन आप देखिए कि 300 अरब रुपए खर्च होंगे सेहत पे सिर्फ हिंदुस्तान में, जबकि जो खर्चा है उसका दिफा पे वो कोई 2-2.5 खरब से ज्यादा है। देखिए मैं बड़ा इम्बेलेंस है इंडिया में भी करता हूँ, ये भारत के लिए फैसला करना है। मैं और आप पाकिस्तान में बैठ के उनके बजट की प्रायोरिटीज को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। भारत का अपना जो स्ट्रेटेजिक मकसद है वो ये अपने आप को फोर्स प्रोजेक्शन करना चाहता है, वो नेवी पे बहुत खर्च कर रहा है, वो एयरफोर्स पे बहुत खर्च कर रहा है, और वो इस किस्म के सिस्टम पे खर्च कर रहा है जिससे कि वो इंडियन ओशन के अंदर और दुनिया भर में जहां पर अपने अपना असरात को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आप भी समझते कि ये चाइना के साथ मुकाबले की चाइना की बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, क्या इंडियन चाइना के हवाले से कर रहे हैं या पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि लोग कहते हैं कि चाइना इसलिए अपने पैसे खर्च करता है डिफेंस के अंदर क्योंकि वो अमरीका का मुकाबला करना चाहता है, लेकिन अगर आप देखें अमरीका और चीन का तकाबुल करें तो आपको पता लगता है कि चीन तो बहुत पीछे है, वही सूरत चीन और भारत की है, भारत बहुत पीछे है, चाहे जो मर्जी कर ले लेकिन उनकी प्रायोरिटी है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो करना चाहते हैं, हमें हम कौन कौन होते हैं उनको इस रास्ते से रोकने वाले। पाकिस्तान को ये देखना है कि जो पाकिस्तान के पास है, देखिए हम तजिया निकार हैं, हम तजिया कर सकते हैं कि भारत में गुर्बत इतनी है, फिलहाल इतना है, भारत इतना क्यों खर्च कर रहा है, पाकिस्तान दिफा पे इतना क्यों खर्च कर रहा है।
امتیاز صاحب, ہمیں پاکستان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اور میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان اس حد تک اپنا خرچ کرتا ہے جو کہ اپنے, ہمارا مقصد پروجیکشن آف فورس نہیں ہے, ہمارا مقصد ڈیفنس ہے. اب یہ بہت ایک بنیادی اور کلیدی فرق ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا. انڈیا کا آفینسو مائنڈ سیٹ ہے, وہ اپنی فورس پروجیکشن چاہتا ہے. پاکستان کا ڈیفنسو اسٹریٹجی ہے, وہ صرف اپنا دفاع چاہتا ہے. شہزاد چودھری صاحب, آپ کو انٹرپٹ یہاں پہ کریں گے. ہمارے ساتھ امتیاز صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں. سشانت سرین, سشانت سرین آپ دلی سے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دفاعی بجٹ کو؟ یہ مل کر ایک بڑا ماڈیسٹ سا انکریز ہے, کوئی وہ بہت زیادہ انکریز نہیں ہے, اور لگ بھگ اباؤٹ 10% 11% کے قریب کا انکریز ہے. اگر ریئل ٹرمز میں دیکھا جائے تو اس سے بھی کم ہے انفلیشن کے ساتھ اگر اس کا وہ کرا جائے. اور بڑا بھی اس لیے لگتا ہے کیونکہ جو پچھلی باری کی ایلوکیشن تھی, جو اس میں ایکچوئل ایلوکیشن ہیں, وہ اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے تھی. ملٹری ماڈرنائزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ بہت سارا جو ساز و سامان ہے ڈیفینس کا, وہ اب اٹس آؤٹ لیوڈ اٹس لائف, تو وہ بھی بہت ضرورت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سشانت, یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کا کیونکہ روسی پس منظر کا اسلحہ تھا وہ اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے اور ریپلینش کرنا ہے, اب نئی ٹیکنالوجی لانی ہے. یہ کہاں تک ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, روسی اسلحہ جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے بات, لیکن 1990 کے بعد سے جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے, تب سے جس طرح کا پہلے, اس سے پہلے کے زمانے میں جس طرح کا ڈیفینس ریلیشن شپ تھا کہ جو اسلحہ ہم کو روس سے ملتا تھا وہ کافی ماڈرن بھی تھا, اور اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے پیمنٹ کے وہ بھی ہمارے فیور میں ہوتے تھے. 90-91 کے بعد وہ سارا کا سارا سلسلہ بدل گیا, اور ہم کو ایک تو پرابلمز بھی بہت ہو رہی ہیں وہاں سے, جو سورسنگ ہو رہی ہے روس سے اس میں بھی کافی پرابلمز آتی ہیں اسپیئرز کی اور اکوپمنٹ کی. دوسرا اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پہلے کا سامان خریدا ہوا ہے, وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا تو اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیں سشانت, تیسرا اس میں امتیاز صاحب میں آپ سے عرض کروں, تیسرا اس میں ایک اور پہلو جو یہ ہے, کیونکہ اب آپ کو ماڈرنائز کرنا ہے اور روس سے آپ کو کوئی بہت زیادہ فیوریبل ٹرمز اب نہیں ملتے, اور جب آپ ان کے ساتھ اب ڈیفینس سودے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا لگے گا کہ روس اب کیش لے کر کے سامان دیتا ہے, تو اب ہمارے کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے روس سے سورسنگ کرنے کا. تو میرے خیال یہ کچھ پہلو ہیں جس کے کر کے ہم اب ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ انڈیا کا شوق ہے بہت زیادہ پاور پروجیکشن کرنے کا, جس سے ہم چھوٹے ملک, دربارے سائز کے ملک جو خطے میں ہیں, ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے. نہیں, یہ ان کا اپنا انالیسز ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود ہز انالیسز, آئی ہیو نیور ایگریڈ ود اینی تھنگ ہی سیز, بٹ دیٹس بیسائڈز دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از ہمارے اپنے ڈیفینس کے خدشات ہیں, وہ صرف پاکستان کو لے کر کے نہیں ہے, اس میں ہمارا چین کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ جو ایک ٹو فرنٹ وار کی اکثر بات چیت ہوتی ہے, آل دو مجھے لگتا نہیں ہے کہ چین اتنی بیوقوفی کرے گا کہ اس طرح کی وار کرے گا, نہ بھارت کو کوئی اس میں شوق ہے, لیکن ڈیفینس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں you are on the side of caution.